जैसा मैंने आपको बताया था, इसके वैक्सीन लगी, देखो यहाँ पे इतना जोर से रो रही है सर के भाई साहब, कभी एक इस साइड से नाक से ना रेहट निकल रहा था। वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग, सो स्वागतम। तो आप जैसा देख रहे हो, मैंने आज बेटी को गोदी में लेके इस ब्लॉग की शुरुआत की है। कारण ये है कि बिटिया रानी रो रही है, इसके इंजेक्शन लगे हैं जो लगते हैं ना 1.5 महीने बाद, तो वो इंजेक्शन लगेंगे दोनों 12 पैरों पे और एक हाथ पे, तो इसको पेन वगैरह हो रहा होगा पर बच्चा बता नहीं सकता। तो अभी दूध पिला के बस शांत हुई है, अभी हुई है भाई साहब, बहुत ज़ोर से रो रही थी। अदरवाइज इसको गोदी में ले लो आराम से शांत हो जाती थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मैंने गोदी में लेके आराम थपका, तो आराम से अभी सो गई है और कब तक सोए पता नहीं है। और मेरी भी हालत ऐसी ख़राब हो रखी थी, सुबह 4:30-5 के करीब सोया हूँ और मेरे खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सिरप वगैरह ले ली और दवाई भी खा ली थी, लेकिन अभी तक कोई रिलैक्स लग नहीं रहा, क्योंकि सिरप से ना एकदम वो सर घुमा देती और अभी तक घूम रहा है। वैसे एक ढक्कन लिया होगा उसने मेरा सर घुमा रखा है अभी, और बहुत कई घंटे सो लिया उसके बावजूद भी हालत ऐसी हो रखी मेरी, लेकिन जगना पड़ेगा क्योंकि अभी और ये रो रही थी तो मैं उठ गया था उसको देख के। आपको बताया था इसकी वैक्सीन लगी, देखो यहाँ पे इतना जोर से रो रही है सर के भाई साहब, कभी रोती नहीं है ऐसे, बहुत सिसक रही है बेचारी, लगना है यहाँ पे बहुत गंदा, क्योंकि हम लोग नॉर्मल वैक्सीन लगवा के आते कितना दर्द होता है। मुझे इसकी वैक्सीन से अपनी वैक्सीन याद आ गई, जो हमने वो कौन सा था कोरोना में लगवाई थी ना वैक्सीन, ऐसा सिंगल एक वैक्सीन लगी थी, उसमें ऐसी हालत हो गई थी 2 या 3 दिन तक बुखार रहा था, और इसके 3 जगह पर लगी हैं वैक्सीन, दोनों पैरों पर और एक लेफ्ट हैंड पर ये लगी, और भाई साहब इसकी बुरी हालत हो रही है, क्योंकि ऐसी अकड़न हो जाती है उस हाथ की, इसके तीनों हाथ पर अकड़ रहे होंगे, इसलिए वो पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा और रो रही है। तो अभी बस इसको थपकी लगा ला के और इसकी सिकाई करी थी मैंने, जहाँ इसका बोल रहा था ना सुई लगी थी पे लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट लेग पे ओनली, क्योंकि उन्होंने बोला था लेफ्ट लेग पे ही आपको सिकाई करनी है और किसी मत करना है वरना दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ सिकाई करी, उससे थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो गई, दूध पिलाया और रिलैक्सिंग हो गई, उसके बाद फिर मैं छाती पे लटा के थपकी मार के सुला दी, सो गई है। अब देखते हैं कब तक सोती, क्योंकि बीच बीच में ना उठ रही है, दर्द हो रहा है इसकी बहुत ज़्यादा, परेशान है, लेकिन कोई नहीं अभी हो जाएगी। एक दो बार सिकाई हो करनी है इसकी, 6 बजे पैरासीटामोल सिरप दी है वो पिलानी है, फिर 2 घंटे बाद फिर इसकी सेकाई करनी है, ताकि सूजन जो है ना इसकी ख़त्म हो जाएगी और बच्चा आराम से रिलैक्स हो जाएगा, आराम से हमारे पास ऐसे सोया करी नॉर्मली। दर्द में है ना इसके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है इसके, मतलब स्वेलिंग आ रखी है ना हल्की इंजेक्शन की वजह से, इतना बहुत ज़ोर से रो रही है, परेशान हो रही है। तभी मैं इसको भाप भी दे रहा हूँ, मुझे जिस चीज़ का डर था ना, ताकि जुकाम ना हो जाए इसके, क्योंकि मेरे जुकाम हो रखा है, मेरे पास थी इसको हल्का हल्का, मैं देख रहा था सो रही थी ना, तो जो सांस लेने में ना एक खड़खड़खड़ की सी आवाज़ आती है वो आ रही थी इसके, तो इसको मैं भाप देता हूँ, डॉक्टर ने वैसे भी बोला ही है, तो उसको भाप दे के थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। परेशान बहुत देर बाद आंख बंद करके रोई जा रही थी, नित्या बेटा रो जा तो बच्चा, परेशान है, अभी अभी सही हो जाएगा बच्चा। इसको पैरासीटामोल की ड्रॉप भी दी थी, वो भी दी है, क्योंकि उसके बाद फीवर भी आता है बच्चा का, तो उस वजह से परेशान भी है, इसको दवाई दी है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल जाए। बताओ किसने हट गया, बताओ, टेल मी, हाँ हु हर्ट यू, टेल मी बच्चा, बताओ आंगनवाड़ी आंटी हर्ट्स यू, हाँ हाँ, अरे सब ठीक है बेटा मेरा बच्चा, हाँ अब ठीक है बच्चा, तो मेरा बेटो मेरी राजकुमारी हो बेटा, हाँ हाँ राजकुमारी ना मेरी आप, हाँ नित्या मेरा राजकुमार बच्चा है, हाँ हाँ अब सब ठीक है, सब ठीक है, अब भाप देते हैं आपको बेटा और आपसे हो जाओगे भी ना, लो ये सुना रही इसको। चलो इसको ये बदल दो, इसका थोड़ा जुकाम रिलैक्स मिल जाएगा, मेरी वजह से लग रहा है इसको जुकाम हो गया, बस वो देख के थोड़ा सा ऐसे हो गया ना, इससे जुकाम वाली जो दवाई है इससे थोड़ा सा आदमी को नशा सा हो जाता है, सो जाता है बच्चा, वो देखते हैं सो जाएगी ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा इसको 2 घंटे बाद। इसको कौन सी पैरासीटामोल वाली दवाई पिलाई दी ना, बिटिया मेरी सो जाए रात भर मैं गाऊं सुलाऊं के लोरी लोरी लोरी, गाने से चुप्पी हो जाती कभी कभी, इसलिए हम इसको गाना सुनाते हैं, इसको ये अच्छा लग रहा है शायद,
जुकाम हो रहा है ना इसके, जैसे मैं बोला ना खड़खड़ खड़खड़ सांस में आवाज आती बहुत गंदी वाली इसके भी। आज सो रही थी ना, आप जब सो गई थी इसके बाद मैंने जुकाम हो गया। मुझे लग रहा है कि तुम मुझे, हो सकता है मेरी वजह से हो गया क्योंकि मेरे को जुकाम हो रखा है। अभी मैं बाहर से आया हूँ, नित्य का पाउडर वगैरह लेके आया था, उसका पाउडर ख़त्म हो रहा था तो उस वजह से मुझे जाना पड़ा। सब्जी भी लानी थी और दूध वगैरह भी लाया हूँ, लेकिन मेरी हालत नहीं थी भाई साहब जुकाम की वजह से ना पूरा शरीर टूट रहा है और ना ही मन कर रहा है कुछ करने का, लेकिन जाना मेरी मजबूरी है। और वो कह रहा था कि मैं चल रहा था तो मेरे एक इस साइड से नाक से ना रेंट निकल रहा था, जुकाम हो रहा है, एक साइड से निकल रहा है, एक साइड से नहीं निकल रहा है गुट्टू, क्या करूँ। उस साइड में पेड़ डालना। अच्छा ठीक है, तो भी करते हैं वो भी। और इस साइड से ना एकदम पूरा बाहर निकल जाता रेंट और एक साइड चौक है पूरी, मेरा गला देख के आवाज़ देख के समझ में आ रही होगी आपको कि जुकाम हो रखा है। मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है और ये दाल भी है, विशाखा खाएगी दाल, मैं खाऊंगा भिंडी की सब्जी। लेकिन हमारी बिटिया रानी अभी परेशान है, इसका पेन अभी जा नहीं रहा है और सो रही है जब से, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर इसको ज़मीन पे जैसे मान लो इस पे सोफे पे लिटा दिया तो रोने लगती है और परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा। गोदी में रह रही है तब तक शांत है। अभी मैं बनाने वाला हूँ कॉफ़ी, मेरे जुकाम से बड़ी हालत ख़राब हो रखी है भाई साहब, दूध नहीं पी रहा मैं कॉफ़ी पीऊँगा, कॉफ़ी से क्या होगा थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, थोड़ा गर्म गर्म हो जाएगा ना, मज़ा आएगा। विशाखा भी बैठी हुई है अभी, नित्या को फीड करा रही है, वो अभी जगी है, तो जैसे फीड कराएगी तब तक मैं कॉफ़ी बन जाएगा उसको ले जाकर दे दूँगा, वो भी लेगी। मुझे लग रहा है कि मेरे जुकाम की वजह से ना नित्या को जुकाम हो गया है और विशाखा का भी लग रहा है, वो खांसी भी कर रही है मतलब, और जुकाम सा भी हो रहा है, तो मैंने ऐसा ना हो सारे सारे बीमार पड़ जाएं यार, ये बड़ा बुरी बीमारी है जुकाम की ना, एक को लगी दो तीन लोगों को लग जाती है साथ में घर वालों को, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा उनका सेफ्टी। मेरी बिटिया रानी जग गई, नित्या बेटू जग गए आप? हाँ जगते, अभी दूध पिया आपने बेटू? दूध पिया मेरे बच्चे ने? हाँ दूध पिया आपने? अब पेन है आपके पैर में और लेग्स में? नित्य हो पेन है बच्चा? वी वर सो मच वरिड अबाउट यू बेटा व्हेन यू वर क्राइंग अ लॉट, वी वर आल्सो क्राइंग नॉट विद आंसू, विदाउट आंसू। होल्ड कर लिया, टॉक टू पापा ना। Oh yes, she want to talk. मेरा छोटा चंदा। ओए मेरी कटोरी। कटोरी? आप कटोरी हो? नहीं तो। बिटिया रानी को ना हम तीनों चाहिए साथ में, कैसे? माँ की तो उंगली चाहिए, खुद की हुआसिया चाहिए इसको, और पापा की गोद चाहिए इसको। मेरी गोदी में लेटी, छोड़ नहीं रही है, 10 मिनट हो गए कम से कम इसको। हाँ। हाँ मेरे बेटा। इधर ही देख रही है फोन की तरफ। तू भी बात कर रही उधर? वो अपना अपना उधर ही फोटो सेशन चल रहा है बच्चा का। मेरा बेटू, मेरी राजकुमारी, छोड़ती नहीं है। क्या हुई, क्या हुई बेटी को? हाँ मेरे बच्चे को क्या हुआ बीज? हाँ मेरा राजकुमार, मेरा हाथ मूव हो रहा है इसकी वजह से, देखो देखो पूरा प्रेशर लगाती है। हाँ पूरा प्रेशर लगा रहे हो ना आप हाथ का भी? मम्मा के पास जाओ बेटा, फिर दूध पियो आप। मम्मा का छोड़ दो बेटा प्लीज, मम्मा का छोड़ दो, सील फीड यू। हाँ आर यू हंग्री? इफ यस देन शो योर टंग टू मी। कैसे तो रात भर चलता रहेगा यही प्रोग्राम, और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना भूलें। मिलता हूँ कल शाम के 7 बजे, टिल देन बाय बाय, से नित्या बाय बाय, सी यू टुमारो।